दंगबाल जी। सभी मित्रों का, सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत इस काव्य गोष्ठी में, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर करने जा रहे हैं। हमारे बीच लिविंग इंपैक्ट के तत्वाधान में प्रारंभ होने वाली ये जो काव्य गोष्ठी है, इसके आगाज के लिए मैं सर्वप्रथम ये आपको सूचित करना चाहूंगा कि श्री वीरेन डंगवाल पार्थ जी की अध्यक्षता में इस काव्य गोष्ठी का हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जल्द ही अन्य कवि बंधु हमारे जो है जुड़ने वाले हैं। आशा करते हैं जल्दी सब लोग हमसे जुड़ पाएंगे। लिविंग इम्पैक्ट हमारा जो तत्वावधान है, हमने सोचा कि अकादमिक अनुसंधान, समाज और साहित्य सब चीजों को जोड़ने के लिए एक आपस की एक सामंजस्य स्थापित करते हुए, एक दूसरे को हाथ में हाथ बढ़ाते हुए, छात्रों पे सहयोग, छात्रों का शिक्षकों के साथ सहयोग, हमारा समाज के साथ सहयोग, यह सोच इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। काफी समय से इच्छा थी एक काव्य गोष्ठी करने की, जो अब मूर्त रूप ले पा रही है। सबसे पहले धन्यवाद मेरे वरिष्ठ कवियों का जो हमारे बीच उपस्थित हैं और उपस्थित होने जा रहे हैं। इस आशा के साथ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, या हमारा जो छात्रों का विशेष जो अनुराग है साहित्य के प्रति, वो बढ़े, इस मंशा के साथ हमने ये आरुणि को यज्ञ के हवन की पहली अग्नि को देने का प्रयास करने का कर रहे हैं। हालांकि आप लोग तो कर ही रहे हैं, मेरा प्रयास, हमारा प्रयास अपने कैंपस में और उसमें वो जो सेंसिटाइज करने का मकसद के साथ हम करने जा रहे हैं। आशा आप लोगों का आशीर्वाद हमें आगे भी मिलता रहेगा। और मंच संचालन के संदर्भ में मैं अपने छोटे भाई सुमित रिंगवाल को आमंत्रित करूंगा, और बैकेंड से चाहूंगा कि हमारे लोकेश अधिकारी, मेरे जो प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, वो हमारे साथ हैं, जो कि यूट्यूब लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं पीछे बैकेंड टीम से। तो सबसे पहले मैं मंच संचालन के लिए सुमित रिंगवाल, जो एक जिनका परिचय मेरे छोटे भाई हैं, एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो शोधार्थी हैं, एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे कवि हैं और एक अच्छे इंसान हैं। तो स्वागत है सुमित, ओवर टू यू। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे मैं सुमित रिंगवाल आप सभी दर्शकों का, साहित्य प्रेमियों का और इस आयोजन आज की इस कवि गोष्ठी के कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस्तकबाल आवाज करता साफ हूं। नहीं है। हाँ, सुमित अपना समय लीजिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एकल रूप में दे रहा हूं। मेरे छोटे भाई सुमित रिंगवाल को मैं मंच संचालन के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं, और अध्यक्ष जी श्री वीरेन डंगवाल पार्थ जी की अनुमति से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हम करने जाएंगे। और तो मंच संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने छोटे भाई सुमित रिंगवाल को। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शोधार्थी, एक अच्छा छात्र नेता और एक अच्छा कवि। स्वागत है सुमित, ओवर टू यू। गणतंत्र दिवस धन्यवाद। की इस पूर्व संध्या पे मैं सुमित रिंगवाल आप एक मिनट, सभी सुमित दर्शकों रिंगवाल का सुन। अच्छा
गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पे मैं सुमित रिंगवाल आप सभी दर्शकों का, साहित्य प्रेमियों का और इस काव्य आज की इस काव्य गोष्ठी मुक्तक में आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज की आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच वरिष्ठ कवि श्री वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की अनुमति प्रदान करें। श्री डंगवाल जी, डंगवाल जी क्या हम शुरू कर सकते हैं सर? इस काव्य गोष्ठी का नाम मुक्तक है और जैसे इसके उद्देश्य के बारे में डॉक्टर सेमल्टी ने हम आप सभी को रूबरू कराया है, आज की शाम को और भी रंगीन, हसीन, यादगार और साहित्य की विधाओं से भरने के लिए हमारे बीच में देश प्रदेश के तमाम हिस्सों से आए हुए साहित्यिक विधाओं में निपुण अनेक कवि, लेखक, व्यंग्यकार, रचनाकार, गीतकार हमारे बीच में है। मैं एक एक करके आप सभी लोगों का परिचय आपसे करा रहा हूँ। अब से कुछ ही देर बाद हमारे बीच में बतौर पहले कवि के रूप में होंगे खेमकरण सामेन जी, जो हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में सो छात्र हैं। साहित्य की कई विधाओं को लेकर इनकी निपुणता है, गहरी समझ है, जिनमें कहानी, लघु कथा, उपन्यास, आलोचना, सिनेमा आदि मुख्य रूप से शामिल है। देश की कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख खूब सराहे जाते हैं और अक्सर इनके लेख छपते रहते हैं। देश की एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पत्रिका है युगवाणी, कादम्बिनी जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनके लेख लगातार रूप से आते रहते हैं। साहित्यिक रूप से धनी खेमकरण जी हमारे बीच में होंगे आपसे कुछ ही देर में। मैं पूरी मुक्तक की टीम की तरफ से और पूरे आयोजन मंडल की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में, इस काव्य गोष्ठी में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है डॉक्टर कविता भट्ट सैलपुत्री, जो हमारे शहर श्रीनगर से हैं। वैसे आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप नीलांबर जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में बतौर संपादक कार्यरत भी हैं और गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैं कार्य करती हैं। इसके अलावा देश विदेश की कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख लगातार छपते रहते हैं। 20 वर्षों से लगातार आपकी साहित्यिक यात्रा निरंतर जारी है, पुस्तकें साहित्य संबंधित, शिक्षण संबंधित, शोध संबंधित पुस्तकें इनकी छप चुकी हैं। आप डॉक्टर कविता भट्ट को कविता कोश पे भी इनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर कविता भट्ट हमारे विशाल पुत्री हमारे बीच में मौजूद है और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। अब से कुछ ही देर बाद आप उनकी रचनाओं के साथ जुड़ सकेंगे। तीसरे कवि के रूप में हमारे बीच मौजूद है गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर अजय सेमल्टी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार भी है। डॉक्टर सेमल्टी साहित्यिक विधा में निपुण होने के साथ साथ वैज्ञानिक देश में, वैज्ञानिक चेतना में अग्रणीय पंक्ति के लोगों में शुमार है। हाल ही में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शोध करवाया था, डॉक्टर सेमल्टी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में भी शुमार है। आप जैसे लोगों का विज्ञान और साहित्य का इस अद्भुत समागम का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम आप सभी लोग इनकी रचनाओं से भलीभूत होंगे। हमारे बीच में गढ़वाली कविता, गीत, साहित्य, हिंदी कविता के एक बड़े हस्ताक्षर वरिष्ठ कवि, एक जाना पहचाना नाम श्री वीरेंद्र पवार जी मौजूद हैं। इनके गीत आप कई दफे गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को गाते हुए सुनते हैं। इनका एक गीत है जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद भी है और जो इस प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात को
हालत को व्यक्त करता है। आपने जरूर सुना होगा संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून ये गीत। इस गीत के रचनाकार हमारे बीच में है। इनकी गरिमामय उपस्थिति को मैं आयोजन मंडल की तरफ से प्रणाम करता हूँ। स्वागत अभिनंदन श्री पंवार जी आपका। हमारे बीच में कुछ ही देर में हमारे बीच में जुड़ेंगे हास्य और व्यंग्य यात्रा वृतांत कविता कहानी किस्से न जाने कितनी विधाओं में निपुण अग्देश के अग्रणीय पंक्ति के लेखक श्री नीरज नैथानी जी हमारे बीच में मौजूद होंगे। नैथानी जी पेशे से एक शिक्षक हैं जो व्यवहारिक तौर पे एक घुमड़कड़ प्रगतिशील किस्म के रचनाकार हैं जो समाज की लगभग हर एक घटना पे बारीक पैनी नजर रखते हैं। मैं मुक्तक की पूरी टीम की तरफ से श्री नैथानी जी से जी का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और हमारे बीच में नैथानी जी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। नैथानी जी का स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम की। पास नहीं है श्री पार्थ जी प्रदेश महामंत्री भी हैं राइटर्स एंड जनरल एसोसिएशन के। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। छंद गीत गजल कविता कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और एक ऐसा रचनाकार जो हिंदी और गढ़वाली दोनों भाषाओं में अपनी गहरी समझ और गहरी पकड़ रखते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप इनकी कविताओं को दोनों भाषा में सुन सकते हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। इनकी रचनाएं लगातार हम सभी लोग सुनते रहते हैं और ये हम सभी लोगों के लिए इस आने वाली नई पीढ़ी के लिए किसी दिव्य पुंज की तरह है। मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं सर और मैं आज के इस कार्यक्रम की एक बार फिर से स्वागत की आपसे अनुमति चाहता हूं। और हमारे बीच में क्योंकि थोड़ी देर बाद कविता भट्ट सैल डॉक्टर कविता भट्ट सैलपुत्री जी जब तक जुड़ते हैं जब तक संजीव खेमत सर जुड़ते हैं मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा डॉक्टर अजय सिमल्टी सर से कि वो आएंगे और आगे की कार्यवाही को अपनी रचनाओं से हम सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सिमल्टी जी डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है सॉरी। हाँ क्षमा चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई श्री डंगवाल जी श्री वीरेंद्र पंवार जी और डॉक्टर कविता जल्दी हमको ज्वाइन कर रही हैं। या डॉक्टर कविता आ चुकी हैं हमारे बीच। या तो मेरी तो हार्दिक इच्छा थी कि खैर हम सबसे पहले चाह रहे थे खेमकरण जी से प्रारंभ करें। खेमकरण जी जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे तो फिर दूसरा हमने सोचा था कि भाई जो है हमने अभी कल ही जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है तो हम चाहते थे कि हम मातृशक्ति से प्रारंभ करें। तो हमारी हार्दिक इच्छा थी। तो मैम अगर आप कंफर्टेबल हों और अगर आप आज्ञा दें अध्यक्ष जी आज्ञा दें तो डॉक्टर कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पर उपस्थित। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? जी जी आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर अजय सेमल्टी जी को बहुत बहुत बधाई संप्रेषित करती हूँ इस मंच के माध्यम से और इस बात के लिए भी विशेष बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में उत्तराखंड के जो ध्वजा जो पताका फहराई है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि जो विश्व भर के 2% वैज्ञानिकों में नाम शामिल होना यह एक महान उपलब्धि है ऐतिहासिक उपलब्धि है तो उनको मैं पुनः बधाई संप्रेषित करती हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए जो कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक नया अपना
शुरू किया है, इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। और यह मंच आज विशेष इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर यह मंच साझा कर रही हूँ आदरणीय, चूंकि मैं कह भी रही थी कि यहाँ पर दो दो वीरेंद्र हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है और आप महानुभावों के बीच में मंच साझा करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आदरणीय श्री वीरेंद्र पंवार जी और श्री वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी, आपकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और इस मंच का जो संचालन अभी कर रहे थे बहुत ही अच्छे ढंग से, सुमित जी बहुत ही अच्छे छात्र हैं और छोटे भाई की तरह हैं, और जैसा कि सेमल्टी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप सभी को मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं संप्रेषित करती हूँ। और सीधे चूंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुझे इसमें आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं डॉक्टर सेमल्टी को धन्यवाद देती हूँ। और सीधे मैं आपको कुछ मुक्तक, क्योंकि मुक्तक की विधा पर यह रखा गया है, तो मैं मुक्तक से ही बात प्रारंभ करूंगी और प्रयास करूंगी कि आपके मन तक पहुंचे मेरी बात, क्योंकि यह हमारी जो मातृभूमि है इसकी रक्षा में दिन रात जो सैनिक सीमाओं पर पहरा देते हैं उन्हीं की बदौलत हम लोग बहुत चैन और सुकून से रह पाते हैं। तो उन सैनिकों को समर्पित तीन मुक्तक मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। रेत को मुट्ठी में भरकर, रेत को मुट्ठी में भरकर हम फिसलने नहीं देते, वक्त कितना भी मुश्किल हो खुद को बदलने नहीं देते। डराएंगे क्या अंधेरे हमें अपनी बुरी निगाहों से, डराएंगे क्या अंधेरे हमें अपनी बुरी निगाहों से, फक्र तारों पर है जो उजालों को ढलने नहीं देते, फक्र तारों पर है जो उजालों को ढलने नहीं देते। तो हमारे जो सैनिक हैं वे ऐसे ही सितारे हैं, ऐसे ही तारे हैं कि वे उजालों को ढलने नहीं देते हैं। और इस मुक्तक के माध्यम से, अगले मुक्तक के द्वारा मैं फिर आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। और उन आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी में हम अपने घरों में बंद हैं, लेकिन वे लोग जो इस सर्दी में भी पहरा देते हैं उन्हें समर्पित एक मुक्तक है कि बर्फीली कंचे रातों में लिहाफों में मचलते हो, बर्फीली कंचे रातों में लिहाफों में मचलते हो, चाय की चुस्कियां लेते हुए जहर उगलते हो, चाय की चुस्कियां लेते हुए जहर उगलते हो, कि जब सिंदूर सरहद पर खड़ा होता है पर्वत सा, कि जब सिंदूर सरहद पर खड़ा होता है पर्वत सा, तब तुम गद्दारों की खातिर कैंडल मार्च पर निकलते हो। जो बैठ करके साम्यवाद की और उसकी बात करते हैं उनके लिए यह बात कही गई है कि तब गद्दारों की खातिर वे कैंडल मार्च पर निकलते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि सिसकती सर्द रातों में मेरा सिंगार लौटा दो, सिसक दी सर्द रातों में मेरा सिंगार लौटा दो, बूढ़े माँ पिताजी की करुण मनुहार लौटा दो, बूढ़े माँ पिताजी की करुण मनुहार लौटा दो, मनुज बनकर दानों की ओ वकालत करने वालों, मनुज बनकर दानों की ओ वकालत करने वालों, मेरे भरतू का बचपन और पिता का प्यार लौटा दो, मेरे भरतू का बचपन और पिता का प्यार लौटा दो। क्योंकि हम घर में बैठ करके बात करते हैं लेकिन वो शहीद जो शहीद हैं उनकी बदौलत हम हैं। और उन्हीं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हमने अभी बालिका दिवस मनाया और आधी आबादी जो देश की है उसको समर्पित चंद मुक्तक मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। सूखा खेत बरसती बदली हूं मैं, यहां से प्रारंभ करूंगी कि सूखा खेत बरसती बदली हूं मैं, आसुरी शक्तियों पर बिजली हूं मैं,
सूखा खेत बरसती बदली हूं मैं, आसुरी शक्तियों पर बिजली हूं मैं, और निकलने तो दीजिए मुझे इस नीड से, निकलने तो दीजिए मुझे इस नीड से, ये मत पूछना क्यों मछली हूं मैं, ये मत पूछना क्यों मछली हूं मैं, फूल हूं पाखुरी हूं तितली हूं मैं, फूल हूं पाखुरी हूं तितली हूं मैं, उमड़े तूफानों से निकली हूं मैं, फूल हूं पाखुरी हूं तितली हूं मैं, उमड़े तूफानों से निकली हूं मैं, और असीम अंबर पर ध्वजा लहराने तो दो, असीम अंबर पर ध्वजा लहराने तो दो, कभी मत कहना कि पगली हूं मैं, कभी मत कहना कि पगली हूं मैं। और इसी श्रृंखला का यह अंतिम मुक्तक, गिरी हौसलों से संभली हूं मैं, गिरी हौसलों से संभली हूं मैं, तभी तो यहां तक निकली हूं मैं, गिरी हौसलों से संभली हूं मैं, तभी तो यहां तक निकली हूं मैं, और शिखर पर पताका फहराने तो दो, शिखर पर पताका फहराने तो दो, अभी तो बस घर से चली हूं मैं, अभी तो बस घर से चली हूं मैं, अभी तो बस घर से चली हूं मैं। धन्यवाद डॉक्टर कविता, बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। और एक बहुत कोमल संकल्पना है मुक्तक के रूप में, चूंकि बसंत का मौसम प्रारंभ हो रहा है और बसंत के मौसम का जो भूमिका है उसको देखिए किस तरीके से एक मुक्तक में संजोने का प्रयास किया है, कि भूखे को रोटी मिले, प्यासे को पानी मिले, भूखे को रोटी मिले, प्यासे को पानी मिले, विनती है ओ मेरे प्रभु, हो जाए ये जीवन बसंत, विनती है ओ मेरे प्रभु, हो जाए जीवन बसंत, दिलों में बारूद नहीं गुलाल हो सरसों खिले, दिलों में बारूद नहीं गुलाल हो सरसों खिले, भूखे को रोटी मिले, प्यासे को पानी मिले। यह मुक्तक वसंत के नाम और एक मुक्तक जिसको मैं सुनाती हूँ, धन्यवाद, एक मुक्तक जिसको मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। स्वागत स्वागत। अधर छूकर भी कंठ कभी न सींच सका, अधर छूकर भी कंठ कभी न सींच सका, उसी प्याले से मुझे मधु की आस रही, उसी प्याले से मुझे मधु की आस रही, और वो मुझमें खोजता रहा हर पल देवी, वो मुझमें खोजता रहा हर पल देवी, मुझे उसमें बस एक इंसान की तलाश रही, मुझे बस उसमें एक इंसान की तलाश रही, मेरे भीतर रहकर भी मेरे साथ न था, मेरे भीतर रहकर भी मेरे साथ न था, मेरी धड़कन उसी के आसपास रही, मेरी धड़कन उसी के आसपास रही, और मुस्कुराने के 100 बहाने दुनिया में, मुस्कुराने के 100 बहाने दुनिया में, फिर भी नम हुई आंखें और मैं उदास रही, फिर भी नम हुई आंखें और मैं उदास रही, फिर भी नम हुई आंखें और मैं उदास रही। और अब चूंकि हमारे अन्य जो हमारे महानुभाव हैं मंच पर, उनको भी क्योंकि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी हैं, तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं बस एक छोटा सा गीत यहाँ पर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी और चाहूंगी कि आप रचना का पाठ करें। स्वागत है आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 एक रचना अभी कुछ समय पहले लिखी थी, क्योंकि नेट का थोड़ा इशू रहा, बस मैं आप तक पहुंचती हूं। मैं आप तक बस पहुंचती हूं। धड़कने बदल रही करवटे आजकल, धड़कने बदल रही करवटें आजकल, चांद के माथे पर सलवटें आजकल,
धड़कने बदल रही करवटे आजकल, यूं तो अपना ही था वो मेरा दोस्तों, यूं तो अपना ही था वो मेरा दोस्तों, महफिलों की जुबान नफरतें आजकल, महफिलों की जुबान नफरतें आजकल। धन्यवाद। आंखें चुप चाप है, दिल भी खामोश है, आंखें चुप चाप है, दिल भी खामोश है, देखो सदमे में है गुर्बतें आजकल, देखो सदमे में है गुर्बतें आजकल, जिसको देखो वही रंग रलियों में है, जिसको देखो वही रंग रलियों में है, कहाँ रांझे सी हैं उल्फतें आजकल, कहाँ रांझे सी हैं उल्फतें आजकल, धड़कने बदल रही करवटें आजकल, पत्थरों से लड़ी मैं नदी की तरह, पत्थरों से लड़ी मैं नदी की तरह, उसकी सागर सी है हरकतें आजकल, उसकी सागर सी है हरकतें आजकल, एक समंदर ही था मेरा राहे सफर, एक समंदर ही था मेरा राहे सफर, हर नदी से उसे मुहब्बतें आजकल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, उसे मुहब्बतें आजकल, हर नदी से उसे मुहब्बतें आजकल, हर नदी से उसे मुहब्बतें आजकल। और बस दो पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी कि कुछ ढग भरे हैं अभी तो उड़ान शेष है, कुछ डग भरे हैं अभी तो उड़ान शेष है, प्रत्यक्ष युग ने देखा अनुमान शेष है, और जो ले ले चले हो संग में तुम है पवन निराली, जो ले चले हो संग में तुम है पवन निराली, केवल पवन नहीं ये सुगंध विशेष है, रवि रश्मि बांध पाए नहीं ऐसी गठरिया, सतरंगी इंद्रधनु का सपना साकार शेष है, और सो ना सकोगे तुम भी जो मैं न सो सकी, तो अभी तो मेरा पारिश्रमिक अनुदान शेष है, और संकल्पों की लेखनी है ऐसे नहीं थकेगी, संकल्पों की लेखनी है ऐसे नहीं थकेगी, बंधन जो तोड़ डाले विधि विधान शेष है, बंधन जो तोड़ डाले विधान शेष है, कुछ डग भरे हैं अभी तो उड़ान शेष है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेमल टीम, आपने मुझे ये मौका, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं नहीं ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे मंच पर आई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और मैं आमंत्रित करूंगा आज से पहले तो हमारे अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी एक अध्यक्ष जी जी अध्यक्ष जी को केवल इसके लिए कि डॉक्टर कविता के काव्य पाठ के एक बारे में जो है आप जो है अपना जी डॉक्टर कविता जी जो है बहुत ही अच्छे मुक्तक और गीत उन्होंने सुनाया है, और लंबे समय से जो है कविता जी को मैं फेसबुक पे ही देख रहा था, उस पे पढ़ और सुन रहा था, आज जो है ऑनलाइन गोष्ठी में उनके साथ जो है मौका मिला, बहुत सुंदर जो है उन्होंने रचना पाठ किया है, और मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह निरंतर जो है आगे बढ़ती रहेंगी।
कविता जी राष्ट्रीय मंच पर भी जो है गढ़वाल का नाम रोशन कर रही हैं, इसके लिए मैं उन्हें विशेष बधाई देता हूं। क्योंकि स्थानीय स्तर पे तो हम होते ही हैं, रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब हम जाते हैं, पहाड़ से कोई भी जाता है, उत्तराखंड से कोई भी जाता है, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं कविता जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो है वो साहित्य के पथ पर इसी तरह अग्रसर रहेंगी। धन्यवाद गुरुदेव, हम तो बस सीख रहे हैं आप लोगों से। और आपके सानिध्य में हम चाहते हैं कि जो है विश्वविद्यालय के कैंपस के छात्र और छात्राएं भी कुछ सीखें, साहित्य के प्रति अनुराग को अपना बढ़ाएं। इसी मंगल कामना के साथ हमने जो है इसको क्या है आरुणी, जो यज्ञ की आहु यज्ञ को शुभारंभ करने से पूर्व जो आरुणी रखी जाती है, उस आरुणी के रूप में हम आपको देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुमित को आप मैं चाहूंगा कि सुमित आगे देखें अध्यक्ष जी की आज्ञा से। सुमित मेरे ख्याल से यस खेमकरण जी नहीं जुड़ पाए अभी हमारे पास, कोई बात नहीं, देन आई विल टेक अप। सुमित शुक्रिया सर, बहुत ही बेहतरीन अपनी रचनाओं को हमारे बीच में डॉक्टर कविता भट्ट ने रखा। और जब तक मैं खेमकरण सर जुड़ पाते हैं तब तक मैं अपनी एक रचना है वो आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है तवायफ और मैं कविता शुरू कर रहा हूं कि कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया, सच कहूं तो जिंदगी से रूबरू होकर आया, उन तंज गलियों के बेनूर अंधेरों से गुजरकर रेशमी मखमली कालीनों में बैठ कर आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया, सच कहूं तो इंसानियत को नीलाम करके आया, कल रात में एक तवायफ से मिलकर आया। ढलते डूबते सूरज की कोई कद्र नहीं, ढलते डूबते सूरज की कोई कद्र नहीं, उगते चमकते चेहरों की रोशनी में डूबी एक शाम में बैठ कर आया, ढलते डूबते सूरज की कोई कद्र नहीं, उगते चमकते चेहरों की रोशनी में डूबी एक शाम में बैठ कर आया, और उम्र के आखिरी पड़ाव के एक चेहरे ने मासूमियत से कहा मुझसे, उम्र के आखिरी पड़ाव के एक चेहरे ने मासूमियत से कहा मुझसे, मेरे दम से रोशन की ये महफिल है, मैं उन छुर्रियों का दर्द शर्म से पिघलते देख आया, कल रात मैं तवायफ से मिलकर आया, तवायफ से मिलकर आया। कुछ अमीरजादों को इज्जत से खेलते देख आया, कुछ अमीरजादों को इज्जत से खेलते देख आया, जिस्म को कागजी पन्नों में बिकते देख आया, कुछ अमीरजादों को इज्जत से खेलते देख आया, जिस्म को कागजी पन्नों में बिकते देख आया, मैं उस तवायफ की लाचारी और मजबूरी देख कर आया, मैं उस तवायफ की लाचारी और मजबूरी देख कर आया, नहीं साजन आने की कोई उम्मीद, मैं फिर भी उसे सजते सवरते देख आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया। कुछ अमीरजादों के शौक की खातिर पड़ी रही वो एक मुर्दा लाश सी, कुछ अमीरजादों के शौक की खातिर पड़ी रही वो एक मुर्दा लाश सी, उसकी चीखें उसकी दर्द की इंतहा को देख वो अपने झूठे गुमान को सजाता रहा, उसकी चीखें उसकी दर्द की इंतहा को देख वो अपने झूठे गुमान को सजाता रहा, वो दरिंदा अपनी मर्दांगनी पे मुस्कुराता रहा, मैं दौलत और दर्द का सौदा देखकर आया, मैं दौलत और दर्द का सौदा देखकर आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया, सच कहूं तो जिंदगी से रूबरू होकर देखकर आया। कुछ अमीरों गरीबों सबके ऐब को पर्दे में छुपाकर खुद को वो नीलाम कर गई, अमीरों गरीबों सबके ऐब को पर्दे में छुपाकर वो खुद को नीलाम कर गई, दर्द की इंतहा मान बनने की लाचारी, दर्द की इंतहा मान बनने की लाचारी, मैं एक औरत को जीते जी मरते देख आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया, कल रात मैं एक तवायफ से मिलकर आया। और एक छोटी सी कविता, और इसके बाद मैं डॉक्टर सिमंटी सर से आग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्यवाही आगे की कविता अपनी पाठ बिल्कुल 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 सुंदर सुमित कंटिन्यू। श्रीनगर में रेल आने वाली है और रेल आने से एक चीज हुई है कि नदी के ऊपर पुल गुजर रहा है,
पुल गुजरने से नदी कुछ आधी मरी हुई सी और आधा जीवित स्थिति में पड़ी हुई है। उस नदी पे एक छोटी सी कविता है कि नदी के जिस छोर पे हम मिले थे आखिरी दफे, नदी के जिस छोर पे हम मिले थे आखिरी दफे, सुना है अब वहां से रेल गुजरेगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, पर क्या हमारे बीच की ये दूरियां कभी मिट पाएंगी, क्या कभी कोई ऐसी रेल गुजर पाएगी, नदी के जिस छोर पे हम मिले थे आखिरी दफा, सुना है अब वहां से रेल गुजरेगी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सिमंटी सर से कि वो अपना आगे की इस कार्यवाही, इस कार्यक्रम का शुक्रिया। बहुत सुंदर सुमित, थैंक यू सुमित। तो अध्यक्ष जी, श्री वीरेन डंगवाल जी की आज्ञा लेना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी की आज्ञा से और अपने अग्रजों डॉक्टर कविता आप लोगों की अनुमति चाहूंगा तब तक कि हम खेमकरण जी हमारे साथ ज्वाइन करें और नीरज जी ज्वाइन कर पाए। तकनीकी के अपने आनंद हैं, हर चीज कुछ प्रोस हैं तो कुछ कॉन्स हैं, और हम लोग ईश्वर की कृपा कहें या कोरोना देवता की देवी की कृपा करें, पिछले 9-10 महीनों से झेल ही रहे हैं उन चीजों को तो एक नवीन विधा जो है साहित्य में भी आ पाई है, और थैंक्स टू कोरोना देवी कि एक नवीन विधा जो है ऑनलाइन जो है कभी जो है कभी भी जो है हाईटेक बन गए हमारे सारे, ठीक है। हमेशा किसी हर चीज में डंगवाल जी हर चीज में जो है सॉल्यूशन देखने का शौकीन हूँ कि कहाँ कोई सॉल्यूशन मिल जाए, प्रॉब्लम तो दुनिया गिना देती है। चलिए इसी तो माँ शारदे की कृपा से, माँ शारदे को नमन करते हुए, भगवती माँ नंदा को याद करते हुए और अपनी स्वर्गीय माँ का स्मरण करते हुए मैं अपने शब्दों को आगाज करना चाहूंगा। और सबसे पहले याद करना चाहूंगा, हार्दिक स्वागत डॉक्टर साहब, हार्दिक स्वागत। सो अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आके गई है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, आप कहेंगे कि क्या कनेक्शन है। आप देखेंगे तीनों के उसमें एक विचार, वो व्यक्ति नहीं है, तीनों व्यक्ति नहीं, तीनों विचार है। मैं बड़ा प्रभावित रहा वाजपेयी जी की शख्सियत से, उनका जाना युग युगांतर को घटाने वाली जो हिलाने वाली जो घटना थी उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, और अपना काव्य पाठ की पंक्तियां ही उसे शुरू करना चाहूंगा। और वो इसलिए भी क्योंकि वो पंक्तियां खुद मुझे नहीं पता था कि खुद मुझको कंसोल करने के लिए जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ शायद मेरे काम आएंगी। तो आशीर्वाद चाहूंगा। असंख्य शंख नाद है, असंख्य शंख नाद है, विधि का विधान है, असंख्य शंख नाद है, विधि का विधान है, व्यक्ति नहीं विचार है, ये कूच नहीं गूंज है, व्यक्ति नहीं विचार है, ये कूच नहीं गूंज है, मृत्यु नहीं विश्राम है, मृत्यु नहीं विश्राम है, ये देह का प्रयाण है, ये देह का प्रयाण है, लौट का सोपान है, धरा का अभिमान है, लौट का सोपान है, धरा का अभिमान है, अजर है अमर है, अजय है अमर है, ये अटल है अटल है। जी हाँ, तो अपनी पहली पंक्तियां अटल जी को समर्पित करते हुए और उन सभी योद्धाओं को समर्पित करते हुए जिन्होंने अपने देश के लिए जीवन लगा दिया और वो विचार छोड़ गए जो आने वाले युग युगांतर तक जो है हमको प्रेरित करता रहेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, मुक्तक के माध्यम से कुछ ही छूट ना जाए तो हमने कहा चलो देशभक्ति का पुट, शिक्षक हूं तो शिक्षक जो है बड़ी से बड़ी बातें भी जो है कटाक्ष में करने का बड़ा शौकीन होता है, या कहे कि वो उसके खून में आ जाता है। तो चार पंक्तियां लिखूं करूंगा, उसके बाद अपनी पहली रचना को शब्द दूंगा। तिरंगा फहराया मिठाई खाई, तिरंगा फहराया मिठाई खाई, देश पे मरने की कस्में खाई, तिरंगा फहराया मिठाई खाई, देश पे मरने की कस्में खाई, गणतंत्र दिवस की दी बधाई, गणतंत्र दिवस की दी बधाई, सबने मिलकर 15 अगस्त तक देशभक्ति को दी विदाई, सबने मिलकर
15 अगस्त तक देशभक्ति को दी विदाई। देशभक्ति मानो त्योहार का हो गया, एक पार्टी ओकेजन हो गया जो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आता है, ऐसा सा फैशन चल पड़ा है। देशभक्ति रगों पे आए, प्रतिदिन और प्रतिपल हम सोचें उस चीज को। इसी मंगल कामना के साथ और अपने युवा साथी और हमारे शिक्षकों, हमारे जो छात्र हैं, छात्राओं में वो कूट कूट कर भर के आए, तभी औचित्य है हमारे इस खुली हवा में सांस लेने का और उस आजादी को महसूस करने का जिसके लिए न जाने कितने मतवालों ने अपना जो है प्राण न्योछावर कर दिए, उस संविधान को लिखने के लिए लोगों ने दिन रात एक कर दिए। तो अपनी एक पंक्ति, अपनी अगली रचना कि एक दिन आजादी का, सर आजादी के दिन फुर्सत के क्षण ढूंढते ही रह जाते हैं हम लोग। क्या मिलेगा एक दिन आजादी का, क्या मिलेगा एक दिन आजादी का? दो नुक्ते हैं केवल, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिएगा कि 2 जून के लिए भागती जिंदगी को क्या मिलेगा एक दिन आजादी का, 2 जून के लिए भागती जिंदगी को उन आंखों में कैद आंसुओं को, नाचीज दिल के बिसरे अरमानों को, हर मुश्किल से लड़ते हौसले को, अपना मुकाम तलाशती मोहब्बत को, खुदगर्जी में दबे पड़े जमीर को, दिलों में सुलगती आग को और पिंजरे में कैद आदमियत को, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा एक दिन आजादी का? क्या बात, एक दिन, जी हाँ एक दिन जब जिंदगी बैठकर सुस्ताएगी, एक दिन जब जिंदगी बैठकर सुस्ताएगी, आंखें अशकों के दरिया बहाएंगी, हर ख्वाब एक बार हकीकत हो जाएगा, हर ख्वाब एक बार हकीकत हो जाएगा, हौसला हिमालय से ऊंचा हो जाएगा, हौसला हिमालय से ऊंचा हो जाएगा, मोहब्बत चांद सितारे तोड़ लाएगी, मोहब्बत चांद सितारे तोड़ लाएगी, जमीर की लौ आंखों को रोशनी दे पाएगी, जमीर की लौ आंखों को रोशनी दे पाएगी, दिलों में सुलगती आग एक मशाल बन जाएगी, और आदमियत, और आदमियत आदमी को बाकायदा मिल जाएगी। हाँ उसी दिन, हाँ उसी दिन ये दुनिया जन्नत से हंसी हो जाएगी, ये दुनिया जन्नत से हंसी हो जाएगी। धन्यवाद। तो कुछ साल पहले इसी संदर्भ में, खैर आजादी से आप चलते हैं अपने समाज की तरफ, एक रचना कुछ दिन, कुछ समय पहले लिखी थी कविता, जब परियोजनाओं, चाहे श्रीनगर परियोजना रही चाहे टीरी परियोजना रही, वो लोग जो लोग उत्तराखंड से वाकिफ नहीं है, पानी के किनारे मेरे गांव है प्यासे, नदी के ओरिजिन वा जहां से नदियां निकल रही हैं वहीं के लोग जो है प्यासे बैठे हैं, तो उन्हीं को समर्पित ये पंक्तियां, पहाड़ की पीड़ा है, विकास की बलिवेदी पर चढ़े उस पहाड़ की पीड़ा को प्रकट करने का मेरा प्रयास है। कि लिखी भी कविता ऐसी थी कि आधे स्वप्न में कि शंकर भगवान परेशान हैं कि गंगा छोड़ दी, क्या कर डाला मैंने, तो और भागीरथ भी प्यासा है, कविता का शीर्षक है भागीरथ भी प्यासा है। अध्यक्ष जी, पवार जी, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि क्षमा कीजिएगा कि अब कवि महोदय लोग जाने कि अभेदान मिले ऊपर वालों से, सत्ता से, तो इसीलिए 5 बजे बाद रखा है सर, सभी सरकारी कर्मचारी हैं तो ताकि हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सके कि शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब भई, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब भई। अब अर्ज किया है टिहरी के वो लोग जिनकी यादों में टिहरी है, जिनकी बातों में टिहरी है, वो जानते हैं उस टिहरी का दर्द कि एक संस्कृति का गवाह, एक शहर, हमारे पुरखे सब डूब गए, एक विकास की बलिवेदी पे कितना बड़ा बलिदान दिया है वो झील में देखने और घूमने वाले लोग उसको समझ नहीं सकते जिन्होंने देखा। तो मेरी पहला जो पैरा है वो एक उस घटना का प्रमाण है जो एक वृद्धा जीरो बैंड पे बैठ के टूटती हुई टेहरी को दे रही थी और फूट फूट कर रो रही थी, उसी को मैंने अपने शब्दों में ढाला है कि याद आती है वो बूढ़ी नानी,
याद आती है वो बूढ़ी नानी जो आंखों में झील लिए, याद आती है वो बूढ़ी नानी जो आंखों में झील लिए, ताक रही थी डूबी टिहरी को, ताक रही डूबी टिहरी को, मानो जीवन सिंगोरी हवन हुई। जी हाँ, सिंगोरी मालू के पत्तों में डूबी वो लिपटी हुई वो मावे की मिठाई, जो केवल मिठाई नहीं संस्कृति का परिचायक थी, वो जीवन सिंगोरी हवन हो गई। कि याद आती वो बूढ़ी नानी जो आंखों में झील लिए, ताक रही डूबी टिहरी को, मानो जीवन सिंगोरी हवन हुई। शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब भई। अर्ज किया है विकास की बलिविधि पे हम ही सबसे नंबर वन पे हैं, कि हम छोड़े अपनी जड़ों को, हम छोड़े अपनी जड़ों को, हमको वो दून बसाएंगे, हम छोड़े अपनी जड़ों को, हमको वो दून बसाएंगे। अरे हमसे छीनो हृदय स्पंदन, अरे हमसे छीनो हृदय स्पंदन, फिर ये उजाला लाएंगे। शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब भई। हिमालयन सुनामी हमने देखी अभी, कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, वैज्ञानिक हूं लेकिन मैं भी कनेक्ट करता हूं आस्था से, मैं भी विश्वास रखता हूं कि माँ धारी को हिला के देख चुके, धारी को हिला के देख चुके, शंकर का तांडव देख लिया, धारी को हिला के देख चुके, शंकर का तांडव देख लिया। अब भी संभलो वक्त मिला है, अब भी संभलो वक्त मिला है, इन वन नदियों को छोड़ दो। शंकर माथा पकड़े बैठे भागीरथ भी प्यासा है, गंगा बहना भूल गई अलकनंदा तालाब। तो सर समय का पहिया है। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद पवार जी आपके आशीर्वाद के लिए। और हम देख ही रहे हैं, हमने अगर किसी की कदर नहीं की, दूसरा भी हमारी कदर नहीं करेगा सर, खासकर प्रकृति। इस समय का पहिया घूमते देखा है हमने, लॉकडाउन में बहुत कुछ देखा हमने, उन्हीं पंक्तियों को देख रहा हूं, लिख रहा हूं कि समय का पहिया घूमते देखा है हमने, कुदरत को अंगड़ाइयां लेते देखा है हमने, कुदरत को अंगड़ाइयां लेते देखा है हमने। ए आदम जात, ए आदम जात, अब बस घरों से ना निकलना, ए आदम जात, अब बस घरों से ना निकलना, सरे बाजार आज शेरों को टहलते देखा है हमने, सरे बाजार, सरे बाजार आज शेरों को टहलते देखा है हमने। जर्रा है हम तुम, कि जर्रा है हम तुम, तेरी मेरी नहीं ये जमी हम सब की है, जर्रा है हम तुम, तेरी मेरी नहीं ये जमी हम सब की है, वक्त ने लिख दी है इबारत, ये गलती हम सब की है, ये गलती हम सब की है। और गौर से देख लेना फिर याद रखना ये मंजर अजय, गौर से देख लेना फिर याद रखना ये मंजर अजय, जरा सहम के बयां करना, जरा सहम के बयां करना, ये गलती हम सब की है, ये गलती हम सब की है। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम झेल रहे हैं, चाहे पर्यावरण हो चाहे कुछ हो, वो सब हमारा ही है, सब हमारा किया धरा है। और एक छोटी सी कृति अगर आपके आज्ञा हो, मैं उनको भी देख रहा था, और डॉक्टर कविता से भी निवेदन रहेगा कि अगर हम समय होगा तो हम आपकी दो तीन पंक्तियां भी और आशीर्वाद चाहेंगे आपका। शिक्षक हूं, शिक्षक बच्चों को इंस्पायर करना या मोटिवेट करना, उसके लिए एक पंक्तियां लिखी थी, आप लोगों का आशीर्वाद हो। छोटी छोटी सी पंक्तियां हैं कि सभी युवा साथियों को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, शिक्षक हूं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं अध्यक्ष जी, कि पसंद आए ना आए, खासकर मेरे युवा साथी, दाद दें या ना दें, जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करें एक आध चीजों को कम से कम, कि लगन कविता का शीर्षक है सर। स्वागत है, बिल्कुल पसंद आएगी आपकी पंक्तियां। देखिए देखिए, कि लगन, तुम चाहे कर लो जितना जतन, तुम चाहे कर लो जितना जतन, जहन में होगी न जब तक अगन, जहन में होगी न जब तक अगन, मंजिल से होगा न तेरा मिलन, मंजिल से होगा न तेरा मिलन, दिलों में होगी न जब तक लगन, लगन 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 लगन। पहला नुक्ता कि कर्मात पिता ओ
गुरु को नमन कर मात पिता, और गुरु को नमन इच्छाओं का तुम कर लो दमन, इच्छाओं का तुम कर लो दमन, विषय विकारों का कर लो शमन, विषय विकारों का कर लो शमन, कदमों में होगा न जब तक गगन, लगन 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 की ऊंची उड़ानों में सदा सर्द चुभन, ऊंची उड़ानों में सदा सर्द चुभन, तन मन कर ले हरदम सहन, कष्टों की पीड़ा से धुलेंगे नयन, कष्टों की पीड़ा से धुलेंगे नयन, निकले ना हीरे तब तक हो खनन, निकले ना हीरे तब तक हो खनन, लगन 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 लगन। और उन शुभचिंतकों को ले जो अक्सर सांप की तरह अक्सर लिपटे होते हैं, भुजंगों की तरह, उन्हीं को समर्पित कि लिपटेंगे जब जब विषैले भुजंग, लिपटेंगे जब जब विषैले भुजंग, न तजना तू खुशबू बन चंदन, न तजना तू खुशबू बन चंदन, क्या कुंदन बना है कभी बिन तपन, क्या कुंदन बना है कभी बिन तपन, सूरज को भी जब तक ना हो जलन, लगन 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 लगन। अंतिम पंक्तियां कि सफलता भी जब आती है तब भी संभल के रखना बहुत जरूरी है, सफलता हर एक किसी को पसती नहीं है, कि भाग्य भजेगा जब तेरे भजन, भाग्य भजेगा जब तेरे भजन, क्या खोया क्या पाया कर लो मनन, क्या खोया क्या पाया कर लो मनन, सफलता नशा है न होना मगन, सफलता नशा है न होना मगन, गंगा को भी जब तक ना हो थकन, गंगा को भी जब तक ना हो थकन, लगन लगन बहुत बढ़िया, लगन 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 लगन। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत हमारा प्रयास अच्छा, शिक्षक होने के नाते केवल यही कि बहुत कुछ बहुत ही शानदार धन्यवाद काव्य सुने, पाठ डॉक्टर सिमरजी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम पंक्तियां, अंतिम रचना केवल दो तीन नुक्तों में पेश कर रहा हूं, इस स्वागत आशा के स्वागत, साथ कि युवा हृदयों तक तो पहुंच पाऊं, कुछ रोमानी हो चले, इसीलिए मुक्तक की बात कही थी कि सॉरी, धन्यवाद, कि रुसवा करो ना हमको, सभी युवा साथियों को समर्पित, हम दर्द हम नवा हूं हम राह वाह, हूं मैं तेरा, हम दर्द हम नवा हूं हम राह हूं मैं तेरा, रुसवा करो न हमको हम रह न जाए तन्हा, रुसवा करो न हमको हम रह न जाए तन्हा, तेरी एक झलक से हम जो, तेरी एक झलक से हम जो बेहोश हो चले थे, तेरी एक झलक से हम जो बेहोश हो चले थे, हमें होश आ रहा है, हमें होश आ रहा है, तेरा नाम बुदबुदाते, हमें होश आ रहा है, तेरा नाम बुदबुदाते, रुसवा करो ना हमको कि तेरी चाहतों में हमने, तेरी चाहतों में हमने ये मुकाम हासिल किया है, तेरे चाहतों में हमने ये मुकाम हासिल किया है, तेरे हिस्से के गमों की आंधी, तेरे हिस्से के गमों की आंधी को हमी ने मद्धम किया है, रुसवा करो ना हमको हम रह न जाए तन्हा, कि लिखता कभी कहाँ हूं, लिखता कभी कहाँ हूँ, मुझे गाते कभी सुना है, लिखता कभी कहाँ हूँ, मुझे गाते कभी सुना है, मेरे अश्क ढले लफ्जों में, मेरे अश्क ढले लफ्जों में,
तेरी सांसें बनी तरन्नुम, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा। अंतिम दो पंक्तियां कि तेरा आना मेरी फिजा है, तेरा जाना मेरी खिजा है, तेरा आना मेरी फिजा है, तेरा जाना मेरी खिजा है, नजरे इनायत गजल है, नजरे इनायत गजल है, सांसों के सदके है सरगम, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा। जब तुझे गमों ने छूकर मेरी धड़कन को धीमा किया है, जब तुझे गमों ने छूकर मेरी धड़कन को धीमा किया है, तेरी खुशियां खुदा से मांगी, अपनी सांसों को गिरवी रखा है, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाए तन्हा। और इन दो तीन पंक्तियों के साथ अपना काव्य पाठ को समापन कर रहा हूं कि न जाना छुड़ा हाथ मेरा, न जाना छुड़ा हाथ मेरा, जो थामा है सातों जन्म को, न जाना छुड़ा हाथ मेरा, जो थामा है सातों जन्म को, तेरी नजरें उठी जो हमसे, तेरी नजरें उठी जो हमसे, उठ जाएंगे उसी पल को, रुसवा करो न हमको, हम रह न जाएं तन्हा, रुसवा करो न हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्रवण के लिए। और एक टीजर छोड़ता जा रहा हूं, सभी सरकारी कर्मचारी बैठे हैं मेरे ख्याल से, और जो है अपने आप ही समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हूं। केवल दो लाइनें, केवल चार लाइनें आपके सामने पेश करता हूं, पूरी कभी फिर सुनाऊंगा। वो कहता है कि तू शाने दरबार मेरा है, वो कहता है कि तू शाने दरबार मेरा है, तेरी हर जीत मेरी है, तेरी हर हार तेरी है, तेरी हर जीत मेरी है, तेरी हर हार तेरी है, तू लाया तोड़ तारे या खुदा मेरा ही जलवा है, तू लाया तोड़ तारे या खुदा मेरा ही जलवा है, गिरा जो तू फलक से गर वो तेरा मुकद्दर है, गिरा जो तू फलक से तो गर वो तेरा मुकद्दर है, वो कहता है कि तू शाने दरबार मेरा है, तेरी हर जीत मेरी है, तेरी हर जीत तेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं, और अध्यक्ष जी बहुत सर काव्य पाठ के लिए आदरणीय डॉक्टर सिमट जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका रहा है। और एक दिन आजादी का क्या मिलेगा, एक दिन आजादी का वाकई में हर मन में ये रहता है। दूसरा, आप टिहरी से होते हुए टिहरी की आपने हमारी यादें ताजा कर दी। मूलतः जब कहीं भी टिहरी का नाम आता है तो निसंदेह मैं टिहरी का वासिंदा हूं, तो वहां से उसकी जो लोगों के लिए विकास मिला, लेकिन हमें जो है वहां से विनाश ही समझेंगे कि हमें वहां से जो है विस्थापित होना पड़ा उस बांध के कारण। तो बड़े भावुक आपने मुझे भी कर दिया था, और उसके बाद मुक्तक और बहुत कुछ आपने जो सुनाया है आपको मैं पहली बार सुना है। बाकी शब्दरत्न में आपकी कविताएं निरंतर प्रकाशित हुई हैं, वो तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, पहली बार आपको सुना है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर सेमटी जी, और एक बधाई इस मंच के माध्यम से मैं आपको और भी देना चाहता हूँ। एक साहित्य का ये प्रयास तो आपने जो आज से शुरू कर दिया है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई देता ही हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो उत्तराखंड का मान बढ़ाया है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में आपका नाम आया है, ये आपके लिए नहीं हमारे लिए और पूरा उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। मैं संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को की ओर से आपको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डंगवाल जी, आगे के प्रक्रम के लिए आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह, आपके प्यार के लिए सदैव आभारी हैं, और आपका हमेशा हमें जो है निरंतर सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है डंगवाल जी का हर क्षेत्र में। तो अब मैं मंच संचालन के लिए पुनः जो है सुमित को आमंत्रित करता हूँ। सुमित
बहुत ही बेहतरीन रचनाएं, ऊर्जा से भरपूर, जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ऊर्जावान ऊर्जावान आपने हमसे ऊर्जा से भरा हुआ है। और मैं गढ़वाली की चार पंक्तियों के साथ उत्तराखंड की लोक सभ्यता, लोक विरासत, लोक कला के एक बड़े हस्ताक्षर श्री वीरेंद्र पवार जी को मंच सौंप रहा हूँ चार पंक्तियों के साथ कि सर कि अब निरे माय मस्य रस्याण कक हरचिनित चिट्ठी पत्री रंतरे बार, अब निरे माय मस्य रस्याण कक हरचिनित चिट्ठी पत्री रंतरे बार, न कुदगली न बडुली न चुलम भवरानी आठ, अब निरे माय मस्य रस्याण कक हरचिनित चिट्ठी पत्री रंतरे बार, न कुदगली न बडुली न चुलम भवरानी आठ, अरे आज कलाम नौनुता कन के मुनु फेसबुक पर प्यार, अरे आज कलाम नौनुता कन के मुनु फेसबुक पर प्यार। आदरणीय श्री वीरेंद्र पवार जी, आगे की मंच की कार्यवाही के लिए आदरणीय पवार जी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सभी देखने सुनने वालों को, और मैं अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और टीम का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। लिविंग इम्पैक्ट है जो ये माध्यम है, जो मंच मिला है, और वाकई में ये आज का जो कार्यक्रम है एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, और मुझे बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर अजय सेमल्टी जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और डॉक्टर कविता भट्ट जी जो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साझा कर चुकी हैं, आप लोगों के साथ आज इस तरह का जो आभासी मंच मैं साझा कर पा रहा हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी, आप सबके साथ मैं ये मंच साझा कर पा रहा हूँ। और मैं चूंकि गढ़वाली में ही लिखता हूँ, तो मैं गढ़वाली ही रचना वो करूँगा, काव्य पाठ करूँगा। मैं अपनी रचना शुरू करने से पहले द्वि पंक्ति सभी देखते रह सुन दोनों, मैं गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामना देंदू। और जो जो वीर हमारा बॉर्डर पर डटिया छन, बड़ा विपरीत परिस्थिति में नमन कर दू, लेकिन जो एक हालात छन, दुई पंक्तियों से शुरू कर लो, दुई पंक्तियों में एक मुक्त, एक क्षणिका, बल्कि मुक्त न कि क्षणिका से शुरू कर लो कि बन बनी का कालीन बिछान लोकतंत्र का मेला मां, कि बनी बनी का कालीन बिछाने लोकतंत्र का मेला मा, अर वोट दिंदा री बिचारी जनता रह गे नांगा मेला मा। तो जो देश की वर्तमान हालत छन, इन तरह के कुछ हिसाब लगनो छे, लेकिन मे भी डॉक्टर अजय सेमल जिते जिते सुनो छो तो लगनो छो कि सृजन का बीज कखिबिटी भी उग सकदन। और डॉक्टर साहब सेमल्टे साहब तो एक स्वयं एक सर्जक छन, एक वैज्ञानिक पहले सृजन करता हूं दो, और ये सृजन को बीज का कक बटी अंकुरित हो सक दो। मैं आज ये मैं बात महसूस करना चाहूँ, तो मैं अपना यू एक मुक्तक पर आंदो जो कि एक सकारात्मक सोच को जो यूथ का अपन जिक्र करी डॉक्टर सेमल्टे साहब, बहुत बढ़िया रचना। मैं तो क्या बोल सकदो कि इन तरह का सर्जक बेटी इतना रचना आनो, पर एक मुक्तक चार पंक्तियों को मुक्तक थी कि ये मुल्क का हालचाल होला ठीक, डोर थाम जरा। मैं हमारा जो जवान नौनियाल छन उनको आह्वान करना चाहूँ छाऊ कि ये मुल्क का हालचाल होला ठीक, डोर थाम जरा, आली जाली छुई न लगो, बात कर सटीक, डोर थाम जरा, अर तुम्हारा हाथ माच ये मुल्क को भविष्य सों। कि ये मुल्क का हालचाल चाल ठीक, डोर थाम जरा, आली जाली छुई न लगो, बात कर सटीक, डोर थाम जरा, अर तुम्हारा हाथ माच ये मुल्क को भविष्य सोन, तुम मेहनत लगन का बना प्रतीक, डोर थाम जरा। तो यो पंक्तियों का स्वागत है पवार जी, स्वागत है, बहुत एक फोन आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज
एक मुक्तक वही प्रजाति को एक मुक्तक और, ये जो प्रजाति को सुंदर तो हमारा एक बार बार चेतना की जरूरत पड़ती है। तो मन की झसकियां डरिया तू तचो ढोल फेर, मन की झसकियां डरिया तू तचो ढोल फेर, देवता भी बंथिया अड़गटिया तू तचो ढोल फेर, कि मन की झसकियां डरिया तू तचो ढोल फेर, देवता भी बंथिया अड़गटिया तू तचो ढोल फेर, अवैदा तू ताल बदल, अवैदा तू ताल बदल अपनी चाल ढाल बदल, अवैदा तू ताल बदल अपनी चाल ढाल बदल, जू दिमागदार सी घस्या तू तचो ढोल फेर। तो ये जो दिमागदार घस्या छा वो गुते ढोल टचाने जरूरत पड़ेगी आज के दौर में। और बिल्कुल बिल्कुल एक बुक तक और शुरू करना चाहो स्वागत है कि पौड़ी अक्सर लोग बोलदन स्वागत कि अक्सर लोग बोलदन कि पर्वत चढ़नो मुश्किल, पहाड़ में लोग चढ़नो मुश्किल, एक मानसिकता बनाया कि हम चढ़ नहीं सकता या कठिनाई पार नहीं कर सकता। प्रतीकात्मक रूप में अगर हम बात करा एक मुक्तक यहीं पर चे कि पर्वत चढ़नो पौड़ी मुश्किल भैजी, अफु से लड़नो मुश्किल भैजी, कि पर्वत चढ़नो मुश्किल भैजी, अफु से लड़नो मुश्किल भैजी, आई जीवन खुली किताब तो छेच पर ई त पढ़नो मुश्किल भैजी। सुंदर तो ये एक बहुत सुंदर मुक्तक का रूप मा, बहुत और सुंदर एक आस अर्थ आस अर्थ हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार। एक मुक्तक आस और उम्मीद को कि कुछ भी हो पर आस नहीं छोड़, जी। कुछ भी हो पर आस नहीं छोड़, जय कह पर विश्वास नहीं छोड़, कुछ भी हो पर आस नहीं छोड़, जय कह पर विश्वास नहीं छोड़, कनी से कनी हो मजबूरी, कि कुछ भी हो आस नहीं छोड़, जय कह पर विश्वास नहीं छोड़, कनी से कनी हो मजबूरी, मुन्न से पहली सांस नहीं छोड़, मुन्न से पहली सांस नहीं छोड़। बहुत सुंदर पवार जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर तो ये उम्मीदों से भरियो एक मुक्तक छो। अरे बहुत सुंदर जन की डॉक्टर साहब ने अभी कोरोना देवी को बात करी तो है वही दौर में जो वास्तव में एक पूरा बदलाव है कि पूरा हमारा आम जीवन का जीवन शैली पर ये को जो तकनीक को हावी होंदो दिखेनी चाहिए, मजबूरी होंदो दिखेनी चाहिए, व्यवस्था भी बोल सकता अगर हम लोगों ने एक दूसरे से संपर्क मारे ना, तो या एक अनिवार्य चीज लगनी चाहिए की तारीख में। वही दौर का एक दृश्य तय में पढ़ दौरा सुन दौरा देख दौरा तय में करान चाहू छो। यो कविता को शीर्षक से मिन भी लाइव ऑन, ये वही दौर की रचना से, और आप शायद वही दौर में पहुंचे सकती मैं जुड़ चलो। तो जी बहुत बहुत स्वागत पवार जी मिन भी लाई बोण कि जय दिन अंधेरी का यू काला दिन चौल जाला, कि जय दिन अंधेरी का यू काला दिन चौल जाला, जय दिन यू खुट्टों का छाला मोल जाला, कि जय दिन अंधेरी का यू काला दिन चौल जाला, जय दिन यू खुट्टों का छाला मोल जाला, लाई बोण मिन भी लाई, कि जय दिन अब आप देखो कि जब सड़कियों में लोग छा कि जय दिन गप फतक पौन जाली भूख, कि जय दिन गप फतक पौन जाली भूख और पानी तक पौन जाली तीस, कि जय दिन गप फतक पौन जाली भूख और पानी तक पौन जाली तीस, जब वो खौरियों की कुटेर लेकी अपनी थौबी साला, कि जब वो खौरियों की कुटेर लेकी अपनी थौबी साला, मिन भी लाई मिन भी लाई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर और एक एक दृश्य बहुत सुंदर पवार और जी बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही अभिनव बहुत ही अभिनव धन्यवाद आभार। और एक एक दृश्य और च कि जीना खातिर
कि जीना खातिर जो लंबी लंबी सड़की नपना छन, कि जीना खातिर जो लंबी लंबी सड़की नपना छन, भड़कदी रूड़ियों घाम पीठी मां लेके हिटना छन, कि जो जीना खातिर लंबी लंबी सड़की नपना छन, भड़कदी रूड़ियों को घाम पीठी मां लेके हिटना छन, जब वो सुखी संति अपना घर पहुंच जाला, जब वो सुखी संति अपना घर पहुंच जाला, मिन बिलाएगो मिन बिलाएगो। अब वे दौर मा आप देखो कि जो यू पंक्ति में मैं बताना चाहूं छो कि आज जिंदा छन पर भूलो पतनी, आज जिंदा छन पर भूलो पतनी, दुख पहुंचा रहनी पर गोलो पतनी, कि आज जिंदा छन पर भूलो पतनी, दुख पहुंचा रहनी पर गोलो पतनी, जब वो ये माटा मा दबिया अपना जरणों खुजाला, जब वो ये माटा मा दबिया अपना जरणों खुजाला, मिन भी लाए मिन भी लाए मिन भी लाए। सुंदर 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 पवार जी, बहुत सुंदर। अरे कविता शीर्षक से मिन भी लाए मिन भी लाए दिन सुंदर तट का खड़ा रहला मुड़ दर जी 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 मिन भी लाई बोने को शीर्षक कविता कि जय दिन तट का खड़ा रहला बेमौत मुर्दा, कि जय दिन तट का खड़ा रहला बेमौत मुर्दा, जय दिन मन की दगड़ी खड़ा रहला मन की कद्र कर दरा, कि जय दिन तट का खड़ा रहला बेमौत मुर्दा, जय दिन मन की दगड़ा खड़ा रहला मन की कर दरा, मन की कुदरत मा हरेक जीव जंतु, मन की कुदरत मा हरेक जीव जंतु मोल चिताला, मिन भी लाए मिन भी लाए। बहुत सुंदर पवार जी, मिन भी लाए। जय दिन मन की दगड़ी खड़ रहला मन की कदर कर दरा, मन की कुदरत मा हरेक जीव जंतु मोल चिताला, मिन भी लाए मिन भी लाए। और जो आखिरी कुछ पंक्ति है ना, आज व्यवस्था पर आप महसूस कर सकते हैं कि जय दिन एक नसीराला परजा राजा रानी, कि जय दिन एक नसीराला परजा राजा रानी, जय दिन निर्दुंदराला धरती आगास अर्पाणी, कि जय दिन एक नसीराला परजा राजा रानी, जय दिन निर्दुंदराला ती आगा सरपाणी, ई मुंथमा ने दुनिया, ई दुनिया मा ई मुंथमा सब मिलजुली फेर मंडाण लगाला, ई मुंथमा सब मिलजुली फेर मंडाण लगाला, मिन बिलाए बोन मिन बिलाए बोन। और जय दिन सुंदर कुमार जी, सुंदर बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अभिनव धन्यवाद धन्यवाद। जय दिन अंधेरी का यु काला दिन चोल जाला, जय दिन यु खुट्टों का छाला मोल जाला, मिन भी लाइव मिन भी लाइव। तो ये छह मिन भी लाइव और ये पिछले कोरोना, ये कोरोना काल में काफी लोगों पसंद करिए देखे काफी वाणी रहने की बार बार। तो ये एक चित्रण छो और कुछ पंक्ति से और जोड़ दो आपते हैं। स्वागत है पवार जी, स्वागत जी। और मैं अपनी अंतिम रचना के रूप में इधर रखता हूँ, थोड़ा गया मत में ध्यान नहीं, पर कोई तरह की रचना की जिंदगी एक आम आदमी का सामने जो कह के तरह का, जो कह के तरह से आदमी का जीवन में स्टेप बाय स्टेप उम्र दर उम्र समय दर समय परिवर्तन होना एक कि जिंदगी में थई कथग रंग देगे तू, जिंदगी में थई कथग रंग देगे तू,
क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या होएगे तो जिंदगी, जिंदगी जिंदगी में थई कथगा रंग देगे तो क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या होएगे तो। और सुंदर कुमार जी, बहुत सुंदर। तिन मेरी घुगुमा खेलिया खेल कई, तिन मेरी घुगुमा खेलिया खेल कई, जन मेरी बारी है बोगा क्यों हुएगे तू। बहुत सुंदर, जिंदगी बहुत सुंदर, बहुत जिंदगी सुंदर, जिंदगी अति सुंदर कुमार जी। के बालापन से मिन लड़नी कथका लड़े, बालापन से मिन लड़नी कथका लड़े, जवानी आई भिनी दानी सी वेगे तू। जवानी बहुत सुंदर आई भिनी दानी नंद कुमार जी, सी बहुत वेगे सुंदर चित्रण तू। कुमार जी, बहुत सुंदर, आनंद जिंदगी आएगी। जिंदगी धन्यवाद। जिंदगी 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 में थई कथगा रंग देगे तू। और आखिरी माँ हम सबों की जो कहानी सियाणी देना ना, कैतरों से हम लोग जीवन जीना की गाणी छाणियों का स्वीणामी गछाणु रयूं, गाणी छाणियों का स्वीणामी गछाणु रयूं, मी भी जल दूर रयो बोहड़ा से गे तू। मी भी जल दूर रयो बोहड़ा से गे तू। बहुत जिंदगी सुंदर, जिंदगी बहुत सुंदर कुमार जी, जिंदगी में थई कथग रंग देगे तू। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या होएगे तू, बहुत सुंदर, क्या से बहुत सुंदर क्या। कुमार जी, बहुत मजा बहुत आया, धन्यवाद। आनंद आ गया कुमार जी, बहुत मैन भी लाइव बढ़िया, ऑन, बहुत बढ़िया, मैन भी बहुत लाइव ही ऑन, सुंदर सुंदर सुंदर, आपने पाठ, बहुत अच्छा। आदरणीय पवार जी न गढ़वाली में बहुत ही सुंदर काव्य पाठ सुनाए। बहुत दिन बिटी न तो मिलनो है, न कहे मंच पर मिलनो है, और लाइव का जी माध्यम से आज ये का ये सारू श्रेय जादू डॉक्टर अजय सेमल जीते कि जो उन आज हम सब ते यकमा मिले। और पवार जी बिल्कुल एक बार हम क्या बोलने, पवार जी उत्तराखंड को बहुत बड़ो नाम छ, और मैं ही क्या पूरे उत्तराखंड उते जान दू, उते बहुत प्यार कर दू, और मैं बहुत साधुवाद दे दू कुमार जी ते कि उनकी बहुत रचना जो छन लोग ते जुबानी याद छन, कवि सम्मेलन लोग तरह लोग ते उनकी कविता कई कविता याद छन, सब विधाने दे रहा दोनों या और गीत होन। आज मिन भी लाइव ऑन, बहुत सुंदर रचना उन सुनाए, और कुछ भी हो पर आस न छोड़, बहुत ही मैं भी एक आशावादी व्यक्ति छो, और उम्मीद करता हूँ कि आस जीवन में सच्ची कभी छोड़ी नहीं चाहिए, कुछ भी हो पर आस नहीं छोड़, कविता का माध्यम से एक संदेश जो कुमार जी ने वो युवाओं तक या सब ने जो है प्रेरित कर लू। आदरणीय कुमार जी थे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी, और पवार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और वक्त की जरूरत भी है पवार जी कि अपनी बोली भाषा ते हम ते सहज ही रखनो पड़ू। हमने बिल्कुल जानदन हमारी अगली जनरेशन बोल दी कि नहीं बोल दी, सी लैंग्वेज जो बोली भाषा जो बोलना छन हम समझ दी, बिंग दी कि नहीं बिंग दी, बल बोल दी कि नहीं बिल्कुल बोल दी। बिल्कुल तू दर्द छ वो सब ते जो है पता चली चेंदू। यस हम तो कोई भी कुछ भी लिख सकदन पवार जी, पर आपको जो वैल्यू छ हम ते बोलन जन कि वाइटल बोलन जाते इंग्लिश में वर्ड, मेरी हिंदी वर्ड नहीं जान दो मैं वेकू, पर मतलब कि जैसे प्रतिपूर्ति कह बटे नहीं वैसे दी वो आपन कन छ और वो आप करना छन और सराहनीय कार्य छ। तो पवार जी बहुत हमारी शुभकामनाएं, हम आपका छोटा चन
तो हमारी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हम पर बने रहो, यही आशा से। जरूर, आप लोगों से मिलने में बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम आपसे सीखना चाहना आपसे, तो आशा कर दन आगामी समय में भी हम मिलता रहला और बिल्कुल छोटा छोटा आयोजनों में तन भी होलो, और जब कोरोना देवी जाली तब फिजिकली भी मिलला। आज नवी नामकरण करे अपन कोरोना देवी। क्या कन था सर, जब हम कुछ कर नहीं सकते, बोले बोले बाघ आई बल, तब पिताजी तुम क्या कन, अबे मैन क्या कन छो, बल तू कन छो, बागन कन छो। तो वही बात है सर, किले पूछनी कि तुम क्या करी, अब मैन क्या कंच हो यार, जो कंच हो बागन करी, जो सुकन तो बागन, तब क्या करता होता, तब मैं चल लूं बने, तो वही कर रहा नहीं, तो पूरा देवी का देवी बोलना पड़ेगा सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। तो सुमित हमारे साथ हैं, मैं सुमित को ले रहा हूँ। सुमित अब मेरे ख्याल से हमारे पास नीरज जी का हमारे पास आया है, नीरज जी हमारे पास आधा घंटे के आसपास, लगभग 15-20 मिनट के आसपास जुड़ने वाले हैं, कि हम चाहे तो अध्यक्ष जी जैसा आदेश करें तो नेथानी जी को जुड़ने में भी शायद मुझे लग रहा है समय लगेगा। हाँ अभी समय लग रहा है, उनका मैसेज आया था तो। हाँ तो चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं, और हाँ, जब नेथानी जी जुड़ेंगे उन्हें हम दे देंगे। डंगवाल जी से करा दीजिए सर मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माइक ऑफ है सर आपका, माइक ऑफ है सर आपका। तो मैं मंच संचालक सुमित जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष के अध्यक्ष के उद्बोधन और अध्यक्ष के काव्य पाठ के लिए उनको आमंत्रित करेंगे हमारे मंच संचालक सुमित। शुक्रिया डॉक्टर सिमंडी, और मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आज के हमारे हमारे बीच में जो वरिष्ठ कवि हैं बिरेन डंगवाल पाठ सर जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आज की इस पूरी जो काव्य गोष्ठी रही इसके बारे में अपने अपना मत अपना विचार रखें, और आगे मंच में आपको सौंपता हूँ श्री बिरेन डंगवाल पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय सेमल्टी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि जो उन्होंने ये गढ़वाली और हिंदी का एक उत्सव काव्य गोष्ठी, ये गढ़वाली और हिंदी का जो उत्सव हुआ है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हम सब लोग जो आपस में जुड़ पाए हैं ये मुझे लगता है कि बड़े सौभाग्य की बात है। अध्यक्षता जैसे तो मैं नहीं, सब लोग में से जो है वरिष्ठ हैं, और आदरणीय पवार जी भी हमसे बहुत वरिष्ठ भी हैं, लंबे समय से मंचों पे भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पे हैं, आदरणीय कविता भट्ट जी अंतरराष्ट्रीय मंचों पे हैं, तो मैं सबका जो है हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस मंच की तरफ से। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा, सुमित रिंगवाल जी का संचालन बहुत अच्छा है, थोड़ा यहाँ पे मुझे ये लगा बीच बीच में जो है मुझे लग रहा है कि इंटरनेट ने परेशान करा, तो कई बार जो है कुछ कवियों को यह संचालन में जब हो रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे लग रहा है थोड़ा वो परेशानी रही है। बाकी अजय सेमटी जी, कविता जी, वीरेन कुमार जी जो है सबका जो है बहुत ही सुंदर काव्य पाठ रहा है। मैं तो कह रहा था मैं सुनता ही रहूं, लेकिन ये एक परंपरा मुझे भी थोड़ी बहुत पढ़ लेना है, तो जो मुझे बहुत आनंद आज के जो काव्य पाठ में आया। और अभी नेथानी जी हमारे बीच आएंगे, असल में मैं और नेथानी जी एक कार्यक्रम में साथी थे, तो मैं तो देहरादून में था इसलिए मैं जो है जल्दी कार्यक्रम तक पहुंच पाया, उन्हें रूड़की जाना है तो शायद पहुंचने ही वाले होंगे, तो एक बार मैं सब आपका शानदार काव्य पाठ के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अजय सेमल्टी जी ने जो है ये जो काव्य की महफिल सजाई है, और ये मुझे लग रहा है नहीं कि निरंतर आगे भी रहेगी, और इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय सिमरन जी को, और सुमित लिंगवाल को भी बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। उन्होंने सुनाया भी भले, मुझे लग रहा है उसमें थोड़ी परेशानी थी या कुछ इको कुछ हो रहा था, बहुत साफ आवाज नहीं आ पाई।
लगता है हमारे अध्यक्ष जी का कनेक्शन थोड़ा लूज हुआ है वहाँ पर से, तो जल्दी अध्यक्ष जी जोड़ेंगे हमारे डंगवाल महोदय। तो तब तक अगर डंगवाल जी को हम वेट करते हैं, डंगवाल जी भी जुड़ते ही होंगे। डंगवाल जी का एक्चुअली डंगवाल जी की तरफ से शायद मेरे ख्याल से हमारा जो है थोड़ा कनेक्शन लूज है। पवार जी आप तो सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो मीनवाइल आप डॉक्टर कविता, मैं आपको इनवाइट करूंगा एक छोटी सी अपनी रचना के साथ, तब तक कि जो है डंगवाल जी हमसे जुड़ते हैं। आपसे निवेदन, एक कोई छोटी सी नवीन रचना जो भी आपको पसंद हो, आपसे निवेदन। धन्यवाद डॉक्टर सिमल जी। और बहुत एक छोटी सी गीतिका मैंने लिखी थी, कोविड ने बहुत कुछ लिखवाया हम लोगों से, तो उसी क्रम में एक गीतिका लिखी थी, वो आपके बीच में मैं प्रस्तुत करूंगी। और उसमें दर्शन को डालने का प्रयास किया है साहित्य में, सुनिएगा। अंधश्रद्धा प्यार मेरा नेह बरसाते रहो, अंधश्रद्धा प्रेम मेरा नेह बरसाते रहो। जेठ सा जीवन तपा मधु मास तुम आते रहो, अंधश्रद्धा प्रेम मेरा नेह बरसाते रहो, मधु मास तुम आते रहो, मधु मास तुम आते रहो। विकल है मन की नदी और सागर दूर है, विकल है मन की नदी और सागर दूर है, पल कौन से इसकी राह के कंकर हटाते रहो, मधु मास तुम आते रहो, मधु मास तुम बहुत सुंदर, आते बहुत सुंदर, रहो। बहुत धन्यवाद। सुंदर। जग में सच्चा प्यार ना कोई ऐसा ना कहे, जग में सच्चा प्यार ना कोई ऐसा ना कहे, आशा ओढ़ो कल्पना संग सुर मिलाते रहो, मधु मास तुम आते रहो, मधु मास तुम आते रहो। घर ये तेरा ना है मेरा, वृथावाद विवाद है, घर ये तेरा ना है मेरा, वृथावाद विवाद है, 4 दिन का साथ है प्रेम पग बढ़ाते रहो, मधु मास तुम आते रहो, मधु मास तुम आते रहो। और अंतिम दो पंक्तियां जिसमें जीवन का सार है, बहुत ओढ़ सुंदर, कर बैठे हो काहे तुम दुशाले पर दुशाले, ओढ़ कर बैठे हो काहे तुम दुशाले पर दुशाले, काल काल बन मुस्का रहा अहम हटाते रहो, मधु मास तुम आते रहो, मधु मास तुम आते रहो, मधु मास तुम आते बहुत रहो। सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मधुमास तुमाते रहो, मधुमास तुमाते रहो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर डॉक्टर कविता। अब हमारे बीच पे ख्याल से जो है बहुत ही सुंदर रचना, मेरे इसीलिए आपको बोला था कि मैंने कहा आप तैयार रहे, एक छोटी सी रचना हम अवश्य नहीं, आपसे बाद में भी लेंगे। कोरोना तो अब डंगवाल जी हमारे में बीच में। विचार हाँ आते जी रहते थे, कोशिश करते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी तो डंगवाल जी धन्यवाद। हमसे जुड़ चुके हैं,
जी गंगवाल जी को ले रहा हूँ मैं अभी बीच में, बिल्कुल, थोड़ा स्वागत। कनेक्टिविटी का इश्यू है जी। फिर इसके बाद मैं डंगवाल जी के ही हमारे काव्य पाठ की ओर हम चलेंगे। होता क्या है कि इस बीच के हम डंगवाल जी हमको जोड़े, तब चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि जमाने लगेंगे, तकनीकी कितनी भी दूर पहुंच जाइए, कितनी बड़ी पहुंच गई, 4G 5G हो गई, पर अभी भी चीजों को स्मूथ होने में टाइम लगेगा, जमाने लगेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनको स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कि सजदा करें, सजदा करें और दुआएं कबूल हो जाएं, सजदा करें और दुआएं कबूल हो जाएं, ऐसी दुआओं को गढ़ने में जमाने लगेंगे, ऐसी दुआओं को गढ़ने में जमाने लगेंगे कि इश्क की हर दास्तान मुकम्मल हो जाए, इश्क की हर दास्तान मुकम्मल हो जाए, ऐसी जन्नत को बनाने में जमाने लगेंगे, ऐसी जन्नत को बनाने में जमाने लगेंगे। और हम कुदरत से हैं, हम कुदरत से हैं, कुदरत हमसे नहीं, हम कुदरत से हैं, कुदरत हमसे नहीं, ये बात समझने में अभी जमाने लगेंगे, ये बात समझने में अभी जमाने लगेंगे। जी हाँ, कई चीजों में अभी बहुत जमाने लगने हैं, तो हम अपने पार्थ महोदय का वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो हमसे जुड़ते हैं हम उनको लाइव देंगे। शायद कनेक्टिविटी का कुछ प्रकरण उनके साथ आ रहा है। मैं जी हाँ, तो चाहे कितनी भी कनेक्टिविटी के हमारे पास जो है कार्य रूप हो जाएं, मिल जाएं, पर समस्याएं लगी हैं, और खैर समस्याओं के साथ जीना ही एक अपना आनंद है उसका। और कवि हृदय तो जानता ही है कि जो है कविताएं निकलती जो है कष्टों के बाद से हैं। तो डंगवाल जी का मैं स्वागत करता हूं, डंगवाल जी अगर हमसे कनेक्ट हो पा रहे हो तो डंगवाल जी से निवेदन, हमारे साथ जुड़े ना, तब तक जब तक डंगवाल जी जुड़ते हैं, सुमित से अगर सुमित अगर चाहें तो अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहें तो सुमित को मैं बोलता हूँ कि सुमित आए और अपनी रचना करें। ठीक है सुमित, और सुमित अपना अपना जो है आपको स्पीकर जो है उसको बंद करें ताकि इसे ना हो। कुछ एक गजल सुना रहा हूं कि कभी गुजरो इधर से तो मुलाकात करो, चुपके चुपके ही सही मगर बात करो। कभी गुजरो इधर से तो मुलाकात करो, चुपके चुपके ही सही मगर बात करो, और है बहुत तेरे चाहने वाले, किसी रोज मेरी भी फरियाद करो। कभी गुजरो इधर से तो मुलाकात करो, चुपके चुपके ही सही मगर बात करो, और है बहुत तेरे चाहने वाले, किसी रोज मेरी भी फरियाद करो। न कोई हम सफर है, न कोई हम कदम है, चलो इस बर्बाद बस्ती को आबाद करो। न कोई हम सफर है, न कोई हम कदम है, चलो इस बर्बाद बस्ती को आबाद करो। और बैठे हैं एक उम्र भर से तेरे सजदे में, बैठे हैं एक उम्र भर से तेरे सजदे में, तो मेरी नमाज कबूल करो। कभी गुजरो इधर से तो मुलाकात करो, बहुत सुंदर, कभी गुजरो इधर से तो मुलाकात करो, चुपके चुपके ही सही मगर बात करो, और है बहुत तेरे चाहने वाले, क्या किसी बात हुई, रोज बहुत सुंदर, मेरी बहुत भी सुंदर। फरियाद। और मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेन डंगवाल पार जी से, आप आगे के मंच आप तक सौंपता हूं मैं, श्री पार्थ जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुष जी, मैं सुनाई दे रहा है और मैं दिख रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया, आज नैथानी जी बोल भी रहे थे कि डंगवाल के आज जो है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो चलिए, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने सारे दर्शकों को और श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और अजय सिमटी जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा गणतंत्र सदा बना रहे, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक दोहे के माध्यम से मैं शुरू कर रहा हूँ। वेद ऋचा मन में बसे, वेद ऋचा मन में बसे, बसे सनातन। वेद ऋचा मन में बसे, बसे सनातन मन। सकल विश्व अनुप है भारत का गणतन, सकल विश्व अनुप है भारत का गणतन। भारत का विश्व में अनूठा स्थान है और मैं दुआ करता हूं कि ये गणतंत्र हमेशा कायम रहे। एक दोहा मैं और कहता हूं, इसके बाद आगे चलते हैं छंद की तरफ। आदरणीय पवार जी, आदरणीय सिमरटी जी हमारे बीच में हैं। स्वागत है, स्वागत है पार्टी। तम को डेरा ना मिले, तम को डेरा ना मिले, सफल न हो षड्यंत्र। वर्तमान में हम देख भी रहे हैं, वर्तमान में क्या विभिन्न समाजों में भी देखा जाता है कि कई षड्यंत्रकारी होते हैं, हम आतंकवाद से परेशान हैं, ये लोग सफल न हो, यही कामना मैं इस दोहे के माध्यम से करता हूं। तम को डेरा ना मिले, तम को डेरा ना मिले, सफल न हो षड्यंत्र। भारत में कायम रहे सदा लोक का तंत्र, भारत में कायम रहे सदा लोक का तंत्र। ये लोकतंत्र हमारा अखंड रहे और लोकतंत्र की जय हो, इसी के माध्यम से मैं एक बार फिर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सिमंडी जी, आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है जी। स्वागत है, सुनिएगा। एक पावन देश भूमि हमारी है और माँ भारती को एक क्षण में समर्पित करता हूँ, एक घनाक्षरी समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। मेरी पसंदीदा घनाक्षरी भी है और मैं जो है विभिन्न मंचों पे लोगों ने पसंद भी किया है, सुनिएगा। भारत भूमि को मैं प्रणाम करते हुए कहता हूँ। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। भिन्न भिन्न बोली भाषा आरती अजान यहाँ लहराते तिरंगे किसान लिख दीजिए। जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, गंगा यमुना का स्वाभिमान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। वर्तमान में जरूरत भी है, हमेशा जरूरत भी रही है, सबके दिलों में भारत हमारा देश है और जो भी भारत के देशवासी हैं सबको भारत से प्रेम करना चाहिए और इसी में जो है देश का विकास है, देश की प्रगति है, देश की तरक्की है। एक मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना देश अपना राज्य विशेष लगता है और हम भारत में हमने जन्म लिया है तो निश्चय ही मुझे यह भारत भूमि विशेष भी लगती है और मैं इसे सौभाग्य ही मानता हूं कि भारत में हम पैदा हुए हैं, भारत में जन्म हुए हैं और विभिन्न संस्कृतियों के देश में हम रहते हैं। एक क्षण में और समर्पित करता हूं देश के नाम, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वागत है, स्वागत है भारती। पावनी माँ भारती के आंचल की छांव मिली, कम नहीं मानिए किसी वरदान से। वाकई ईश्वर का वरदान ही है कि जो हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत में भी देवभूमि उत्तराखंड में हम पैदा हुए हैं, ये वाकई जो है इसका हम पे जो है आशीष है, सुनिएगा।
पावनी माँ भारती के आंचल की छाव मिली कम नहीं मानिए किसी वरदान से। पावनी माँ भारती के आंचल की छाव मिली कम नहीं मानिए किसी वरदान से। आराधक हैं जी हम बरगद पीपल के सनातन परंपरा में जीते सम्मान से। सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी, सीख दी थी दुनिया को सबसे ही पहले जी। परिचित अपने है पुरखों के ज्ञान से, पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटिया, पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटिया। गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से, पीढ़ी दर पीढ़ी रखी संजो कर माटिया। गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से, गाइए तिरंगे वाला गान आज शान से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भारत भूमि विशिष्ट है, कह रहा था हम आजाद हुए हैं, लाखों लोगों की इसमें शहादत है। लाखों लोगों की इसमें शहादत है, बीच में कॉल भी आ गया था सॉरी, और उन शहादत को मैं एक बार इस मंच से प्रणाम करता हूँ, उन वीर सैनिकों को और उन वीर शहीदों को जिनके हम नाम भी नहीं जानते। भारत मुझे लगता है कि विभिन्न संस्कृतियों का देश तो है ही, लेकिन वर्तमान में जो है हम देख रहे हैं विभिन्न बदलाव भी आए हैं और जो अच्छे बदलाव भी हैं। कभी कश्मीर की हम बात करते थे, कश्मीर में भारत विरोधी नारे लगते थे, कश्मीर में कहते थे कि कोई वहां पे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा अगर 370 हट जाती है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से एक दो माहिया के माध्यम से मैं बात रखना चाह रहा हूँ, आदरणीय पवार जी और आदरणीय सिमट जी सुनिएगा, दो तीन माहिए मैं कश्मीर पे कहना चाह रहा हूँ। वो चांद सितारा है, वो चांद सितारा है, सुनो दुनिया वालों, सुनो जहां वालों, कश्मीर हमारा है। वो चांद सितारा है, वो चांद सितारा है, सुनो जहां वालों, कश्मीर हमारा है, सुनो जहां वालों, कश्मीर हमारा है। जो है सदा कोई चीज नहीं रहती, बदलाव होता है और होना चाहिए, सुखद बदलाव हो वो निश्चय ही अच्छा लगता है। तो सुनिएगा एक माहिया मैं और कह रहा हूं कश्मीर पे। फिर वक्त का नाद हुआ, फिर वक्त का नाद हुआ, तम की धारा हटी केसर आजाद हुआ, तम की धारा हटी केसर आजाद हुआ। महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ लोगों के आप बयान सुनते थे कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज शान से तिरंगा फहर रहा है, सुनिएगा एक। वक्त पुल कित घूम रहा, वक्त पुल कित घूम रहा, कश्यप की भूमि पर तिरंगा झूम रहा, कश्यप की भूमि पर तिरंगा झूम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कश्मीर पे एक दो मुक्तक थे, एक दो मुक्तक मैं सिंगार के सुना देता हूँ, मुक्तक नहीं सॉरी, एक दो माहिए मैं सुना देता हूँ, ये माहिए थे, एक दो माहिया मैं आपको सिंगार के और सुना देता हूँ, फिर पढ़ते हैं। स्वागत है पार्टी। मन मन भावन पुरवाई, मन भावन पुरवाई, माहिया
एक पंजाब की हमारी विदा है, साहित्यकार मित्र सब परिचित हैं, लेकिन जो श्रोता है हमारे बीच में, जो दर्शक है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, माहिया एक तीन पंक्ति का एक छंद है, तीन पंक्ति में हमारी अपनी बात हो जाती है। अब मूलतः 16 साल की एक उम्र जो होती है प्रेम की उम्र, वहां से माहिया शुरू होते हैं, और उसके बाद तो माहिया ने बहुत विस्तार लिया है, माहिया के माध्यम से कवियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, लेकिन माहिया का मूल जो है 16 साल का जो लड़कपन हमारा है वो होता है। एक दो माहिया सुनेगा। मन भावन पुरवाई, मन भावन पुरवाई, मन में आस जगी कि याद तेरी आई, मन में आस जगी कि याद तेरी आई। और एक दृश्य और देखिएगा। हम तेरी यादों में, हम तेरी यादों में, यारा बहुत रोए रिमझिम बरसातों में, सुंदर यारा सुंदर डगमग जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोए रिमझिम बरसातों में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो जब प्रेम में होते हैं तो सबसे बड़ा ये होता है कि एक विश्वास प्रेम में होना चाहिए। प्रेम तभी आपस में बढ़ता है। प्रेम वो किसी का भी हो सकता है, माँ बाप का है, भाई बहन का है, प्रेमी प्रेमी का है, आपस में बहनों का है, किसी भी रिश्ते में प्रेम हो सकता है, प्रेम होता है, तो उस रिश्ते में विश्वास होना चाहिए उस प्रेम में। निसंदेह में जो है पावन गंगा यमुना की धरती से आता हूँ, तो गंगा यमुना को साक्षी मानते हुए मैं विश्वास पे एक माहिया कहता हूं, सुनिएगा। पावन गंगा यमुना, पावन गंगा यमुना, तुझ पे भरोसा किया उसको कायम रखना, तुझ पे भरोसा किया उसको कायम रखना। और जब हम किसी के असीम प्रेम में होते हैं तो, और वो भी हमारे असीम प्रेम में होते हैं, तब हम ये बात कह पाते हैं। सुनिएगा आदरणीय कुमार जी और सिमरजी, सुनिएगा। एक भाव है, जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, हम तो रह लेंगे खुद को ही समझाओ, बहुत जाना सुंदर, बहुत है सुंदर डगमग तो जाओ, हम तो रह लेंगे खुद को ही समझाओ। एक भाव था, और एक भाव सुनिएगा, मैं अंतिम माहिया आपके बीच रख रहा हूं। जब हम किसी के असीम प्रेम में होते हैं तो तब ये बात आती है, सुनिएगा। तम हो उजियारा हो, तम हो उजियारा हो, हम तो चल देंगे बस साथ तुम्हारा हो, तम हो उजियारा हो, हम तो चल देंगे बस साथ तुम्हारा हो, हम तो चल देंगे बस साथ तुम्हारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ माहिया थे, दोहा छंद माहिया के बाद एक दो मैं मुक्तक सुना देता हूं, और मुक्तक इस कार्यक्रम का नाम भी जो है मुक्तक काव्य गोष्ठी ही है। मुक्तक एक विधा भी है साहित्य की, और डॉक्टर सेमटे जी ने बताया था कि मुक्तक से जो इस गोष्ठी का हमने मुक्तक नाम रखा है उसका मतलब है ये मुक्त है सब चीजों से, किसी स्पेशल चीज पे ये नहीं है, तो इस तरह भी जो है मुक्त काव्य पाठ इसमें किया जा सकता है। तो सुनिएगा एक दो मुक्तक मैं रखता हूँ, सुनिएगा पवार जी, मुझे लग रहा है और लोग तो जो है फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप हैं सामने से, सुनिएगा।
जी सर। मधुप जब पास आए आए जवां दिल की इबादत है, मधुप जब पास आए तो कुसुम बोले शरारत है। हाँ डंगवाल जी। डंगवाल जी एक बार माइक को चेक करेंगे थोड़ा ना। उनका हाँ डंगवाल सर, डंगवाल जी एक बार माइक देखेंगे, एक बार माइक चेक करेंगे थोड़ा सा। उनको आवाज कनेक्टिविटी नहीं आ रही क्या? बोलते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चला। आप डंगवाल जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। दूसरा कोई एक मिनट है, लोकेश। नहीं आ रही है, हाँ वी आर बोल रहे व्यूअर्स। हाँ डंगवाल जी, व्यूअर्स भी हम कह रहे हैं, तो आपकी आवाज हमको पहुंच नहीं रही है। जरा देखें, चेक करें एक बार, रिकनेक्ट कर लें अगर हो सके तो डंगवाल जी, क्योंकि तो मेरी आवाज आ रही है व्यूअर्स को हमारे, आपकी आवाज मिस कर रहे हैं लोग, आवाज में कोई इश्यू है। कनेक्शन कमेंट डालिए जरा एक बार। आप सब कर देगा वो। हाँ डन। हाँ डंगवाल जी थोड़ा आवाज की आवाज का कुछ आ रहा है शायद, जरा देखें तो एक बार, नहीं तो रिकनेक्ट कीजिएगा प्लीज। तो मित्रों जब तक पार्थ हमारे भी जुड़ते हैं, आज इंटरनेट कनेक्टिविटी का कल से थोड़ा बीएसएनएल भी हमारा डाउन है, पर जल्दी आशा करता हूँ सब चीज़ें जो है तुरंत ही स्ट्रीमलाइन हो पाए, कि पर एक शुरुआत है जो हमने प्रयास किया है। अब डंगवाल जी हमारे भी चाह रहे हैं, मैं उनको स्ट्रीम में ले रहा हूँ। डंगवाल जी अब आप, हाँ या आप, शायद हम आपको सुन पा रहे हैं डंगवाल जी। जी आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ आप आ रही है डंगवाल जी, आप आ रही है, आपकी आवाज मुझे अच्छा तो चलिए, अब समय भी पूरा होने वाला है। एक रचना मैं और सुना देता हूं, एक रचना मैं और सुना देता हूं, और अब जो है उसके बाद जो है हम विराम लेंगे, मुझे लग रहा है उसके बाद। नेथानी जी क्या जुड़ गए हैं? नेथानी जी जुड़े हैं? जी
सुनिएगा, एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? आवाज ही ना, आवाज आ रही है जी, सुनिएगा। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, घेर लेता है तम तब मशाल होता है, घेर लेता है तम तब मशाल होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, और सुनिएगा एक चित्र देखिएगा। उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, सोलवां साल मगर, सोलवां साल मगर बेमिसाल होता है। बहुत बहुत, सोलवां साल मगर बेमिसाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और सुनिएगा एक बहुत सा नाजुक शेर है, जो लोग प्रेम में हैं, प्रेम में रहे हैं और प्रेम में रहने वाले भी हैं, उन सब के लिए मैं ये समर्पित करता हूं, और निश्चय ही बहुत ही नाजुक भाव है। स्वागत है, स्वागत है डंगवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। पीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, देखना ये है कि वो, देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है, देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है। आनंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और देखिएगा एक से और। नापली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया। जो लोग प्यार में रहे हैं, जिन्होंने प्यार किया है, उन्हें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। नापली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया, नापली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया, पल की मुस्कान को, पल की मुस्कान को जीवन बेहाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और ये अंतिम शेर में इस गजल का कह रहा हूं, उसके बाद हम विराम लेते हैं। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है। सभी लोग अपने जीवन में इस जो है एहसास से परिचित होते हैं। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, सब कुछ चाहते हुए भी अनजान बने रहना, ये भी बहुत सहनशीलता की बात होती है। बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, 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 चकोर प्रीत में प्रतिदिन हलाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, घेर लेता है तम तब मसाल होता है,
तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। आज की ये काव्य गोष्ठी। अब मुझे लगता है डॉक्टर साहब टाइम भी जो है बहुत हो गया है, और बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल हो गया है। हाँ टंगवाल जी, नेथानी जी हमसे नहीं जुड़ पाए मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। तो हम अभी हाँ, हम मेरे ख्याल से आज समापन करना चाहिए अब, हम ऑलरेडी टाइम शेड्यूल को मिले जी। मैं जो है आदरणीय डॉक्टर सिमटी जी आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है ये गढ़वाली हिंदी का ये एक उत्सव जो है आयोजित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आगे भी निरंतर जो है आयोजन होते रहेंगे, और आप एक उम्मीद के साथ जो है आगे आए हैं, निश्चय ही यह उम्मीद जो है सफल होगी, सुखद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आदरणीय सिमटी जी को मंच देता हूँ। सिमटी जी धन्यवाद। डंगवाल जी मेरे बड़े भाई श्री पवार जी, श्री बीरेन डंगवाल जी, पार्थ श्री बीरेन पवार जी, डॉक्टर कविता भट्ट और हमारी टीम से जुड़े अन्य साथी, लोकेश अधिकारी जो कि यूट्यूब स्ट्रीमिंग का जो है कार्यभार संभाल रहे हैं, सुमित रिंगवाल, एक छोटा सा प्रयास, और जिसको मैं कहता हूँ आरुणी, अगर यज्ञ में हम लोग जो है जब यज्ञ करते हैं तो आरुणी को रखते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास करते रहते हैं, आप लोगों का बड़ों का सानिध्य मिलता रहता है, पर एक छात्रों के बीच में एक सेंसिटाइजेशन जिसे कहते हैं साहित्य के प्रति, वो करने का मेरा प्रयास, आशा करता हूँ आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और एक डंगवाल जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक बार भागवत का श्रवण कर रहा था तो व्यास जी कहते कि देखिए सुख का विलोम है, दुख का विलोम है, हर चीज का विलोम है, आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद एब्सोल्यूट टर्म है, बिल्कुल आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद अपने में चीज है। तो ये काव्य, ये साहित्य मस्तिष्क को भागती दौड़ती जिंदगी से, शरीर को जो वो आराम देता है, वो आराम, वो सुकून, जिससे आगे चलने के लिए और प्रेरणा मिले, जोश मिले, आप लोगों का आशीर्वाद से हमारी जो युवा शक्ति है वह भी इससे प्रेरणा पा सके, इसी आश्वासन के साथ और इसी आशा के साथ मैं हमारे सभी श्रोताओं से और सभी कविगणों से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ कि इस आरुणी को यज्ञ की बड़ी हवन को जो है मंजाम देंगे, आगे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, इसी वादे के साथ। डंगवाल जी आपका बहुत बहुत आभार, और मेरी सारी टीम की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद, और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय।